Hello everyone, myself Dr. Jyotika Kapoor. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 13 years. आपको पता है कि होम्योपैथी आजकल इतनी ज्यादा फेमस और पॉपुलर क्यों होती जा रही है और लोग इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में क्यों अपनाते जा रहे हैं? इसके 3 बेसिक रीजन है जिससे होम्योपैथी इतनी पॉपुलर होती जा रही है. फर्स्ट रीजन इज कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये तो आप सभी जानते होंगे. सेकेंड रीजन कि ये हमेशा जड़ से बीमारी को खत्म करती है. थर्ड रीजन इज इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू टेक द मेडिसिन. लोगों के दिमाग में एक मिथ रहता है होम्योपैथी को लेके कि ये बहुत स्लो काम करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत फास्ट काम करने वाली मेडिसिन होती हैं. इनको जैसे ही आप अपने टंग पर लेते हैं वैसे इसका नर्व्स के थ्रू ही एक्शन स्टार्ट हो जाता है. कई केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी बीमारी को काफी क्रॉनिक करके हमारे पास आता है और उसकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, तो उसको रिवर्स लाने में कई बार क्या होता है, हमको टाइम लग जाता है, तो पेशेंट को लगता है स्लो काम करती है, क्योंकि हमने बीमारी को कभी भी सप्रेस नहीं करना, उसको जड़ से खत्म करना है. तो अगर आप होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में चूज करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट काम करेगी और एक्यूट केसेस में तो ये विद इन मिनट या विद इन आवर्स में ही आपको इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है. होम्योपैथी हर वर्ग के लोग ले सकते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा इंसान हो. होम्योपैथी हर तरह की बीमारी को डील कर सकती है. जैसे अगर हम पीडियाट्रिक केसेस की बात करें तो बच्चों में जैसे ओबेसिटी है, हाइट गेन नहीं होना, उनकी इम्यूनिटी वीक होना, बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, बच्चे में अस्थमा, एलर्जीज हैं, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो बिल्कुल ही इनक्यूरेबल केसेस होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज्म जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत ही कॉमन है, इस तरह की बीमारियों का होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा सकता है. कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, इसका होम्योपैथी में बहुत इजीली ट्रीटमेंट किया जाता है और पक्का इलाज किया जाता है, कोई डिपेंडेंसी भी नहीं आती मेडिसिन के ऊपर. फीमेल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओडी है और हमारे यूट्राइन ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, ये होम्योपैथी में मेडिसिन के थ्रू इजिली ठीक की जा सकती है. कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जैसे अस्थमा, निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां, ये भी होम्योपैथी में जड़ से खत्म की जा सकती हैं. तो मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि आप अपनी छोटी या बड़ी हर तरह की बीमारी के लिए होम्योपैथी को सिलेक्ट करें और अपनी लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाएं. थैंक यू सो मच.